नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसद मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हमने लास्ट 7 चैप्टर में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड का अध्ययन किया था। आज से हम नया चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन, जिसे हम बोलते हैं अपशिष्ट ऊष्मा का पुनर्प्राप्ति और उसका को जनरेशन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन, यानी एक तरह से अपशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कैसे हम इसे रिकवर कर सकते हैं, को जनरेशन क्या होता है, इसका आज हम इंट्रोडक्शन एक परिचय लेंगे। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद दी टुडे सेशन। सो सबसे पहले हम बात करें वेस्ट हीट की, कि व्हाट इज दी वेस्ट हीट या अपशिष्ट ऊष्मा हम किसे कहते हैं। तो इट इज दी हीट दैट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्यूल कंबसन और केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये वह ऊष्मा है, वह हीट है जो किसी केमिकल रिएक्शन, कोई रासायनिक क्रिया अगर होती है या कोई ईंधन जलाया जाता है, ईंधन का दहन किया जाता है, तो उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं वेस्ट हीट या अपशिष्ट ऊष्मा। इट इज नॉर्मली रिलीज इन टू द एनवायरमेंट इवन दो इट मे स्टिल बी रीयूज्ड, यानी कि जब हम कोई ईंधन जलाते हैं या कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है उसको हम अपशिष्ट बोलते हैं, और ये हीट क्या होता है, एनवायरमेंट में, पर्यावरण में रिलीज हो जाती है, पर्यावरण में फैल जाती है, इवन दो इट मे स्टिल बी रीयूज्ड। ठीक है, हालांकि हम इसे यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, इसका पुनः यूज कर सकते हैं। सो रिकवरी ऑफ वेस्ट हीट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड इफिशियंसी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम बात करें अपशिष्ट की, जो वेस्ट हीट है जो ईंधन के जलाने से या किसी रासायनिक क्रिया के होने से बाहर निकल रही है, उस ऊष्मा को, उस हीट को अगर हम दोबारा से पुनः प्राप्त कर लें, रिकवर कर लें उसको और किसी अन्य यूज में हम उसको प्रयोग में ले लें, तो इससे हम एक तो एनवायरमेंट को, यानी एक पर्यावरण को हम बहुत लाभ पहुंचाएंगे, इसके साथ साथ हमें इकोनॉमिकली भी फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि जिस हीट को आप यूज करोगे उस एनर्जी के लिए आपको अब अलग से कोई फ्यूल या कोई फोसिल फ्यूल नहीं यूज करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपके सिस्टम की इफिशियंसी भी बढ़ेगी। तो इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों पॉइंटों के ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो हमें पर्यावरण और इकोनॉमिक यानी आर्थिक लाभ भी इससे होगा, और इसके साथ साथ इसकी दक्षता भी हमारी सिस्टम की बढ़ेगी। सो समटाइम्स वेस्ट हीट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय अनदर प्रोसेस, यानी कभी कभी हम जो अपशिष्ट ऊष्मा है, जो वेस्ट है, उसको हम किसी दूसरी प्रोसेस में प्रयोग कर सकते हैं, और अ पोर्शन ऑफ हीट दैट वुड अदरवाइज बी वेस्ट कैन बी रीयूज्ड इन द सेम प्रोसेस रादर देन रिलीज इन टू दी एटमोस्फियर। यानी कि हम या तो उस वेस्ट को, जो हीट, जो ऊष्मा वेस्ट हो रही है, उस वेस्ट को हम किसी दूसरी प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, या उस वेस्ट ऊष्मा के कुछ भाग को हम उसी प्रोसेस में, जिस प्रोसेस से वो रिलीज हो रही है उसी प्रोसेस में हम उसे यूज कर लें बजाय उसे एटमोस्फियर में रिलीज करने के। सो दिस इज नोन एज अ रिकवरी ऑफ वेस्ट हीट। ठीक है, यानी उसको हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ वेस्ट हीट, यानी आपको कहीं से एक ऊष्मा मिली, आपने जिस प्रोसेस से मिली उसे किसी दूसरे में यूज कर लिया, तो वो तो यूटिलाइजेशन हो गया आपका, आपने जो वेस्ट हीट थी उसको आपने यूटिलाइज कर लिया। लेकिन अगर हम एक ही प्रोसेस में जो हीट हमारी, जो ऊष्मा जो वेस्ट हो रही है, अपशिष्ट है, उसको हम उसी प्रोसेस में यूज कर लें, तो उसे हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ वेस्ट हीट। फाइन, वेस्ट हीट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी हीट और लो ग्रेड हीट। जो वेस्ट हीट है, जो अपशिष्ट ऊष्मा है, ये बेसिकली सेकेंडरी हीट कहलाती है या लो ग्रेड हीट कहलाती है, क्योंकि जो एक्चुअल हीट होती है उससे अगर तुलना करेंगे तो इसकी क्वालिटी जो है उससे डिग्रेड रहती है, उससे कम क्वालिटी होती है। यानी कि इसका टेम्परेचर की बात करें, हीट का मतलब क्या है, इफ देयर इज सम टेम्परेचर इन द एनर्जी, अगर उसमें कोई टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड हीट, अगर किसी एनर्जी के अंदर कोई टेम्परेचर ज्यादा है, ऊष्मा है, तो वो हीट कहलाती है। तो अगर उसमें टेम्परेचर की बात करें तो जो अच्छी क्वालिटी की हीट है उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो लो क्वालिटी उसमें टेम्परेचर कम होगा।
तो हमें जो सेकेंडरी हीट मिलती है ये लो ग्रेड की हीट होती है बेसिकली, फाइन। तो क्वालिटी ऑफ वेस्ट हीट की हम बात करें कि क्वालिटी ऑफ वेस्ट हीट क्या होती है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेस वेस्ट हीट कैन बी रिजेक्टेड एट वर्चुअली एनी टेम्परेचर फ्रॉम दैट ऑफ चिल्ड कूलिंग वाटर टू हाई टेम्परेचर वेस्ट गैसेस फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल फर्नेस और किल्न। यानी कि ये निर्भर करता है आपकी हीट की क्वालिटी आपकी टाइप ऑफ प्रोसेस पर, ठीक है। वेस्ट हीट कैन बी रिजेक्टेड एट वर्चुअली, यानी जो भी हीट वेस्ट हो रही है उसे काल्पनिक रूप से हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पर, विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द चिल्ड कूलिंग वाटर, जो एकदम ठंडा पानी है, चिल्ड ठंडा पानी है, चिल्ड कूलिंग वाटर है, टू हाई टेम्परेचर, यानी चिल्ड वाटर से हाई टेम्परेचर में, और वेस्ट गैसेस फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल फर्नेस और किल्न, या फिर जो गैसेज आपकी, यानी कि एक तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी आपको वेस्ट हीट मिल रही है किसी इंडस्ट्री किसी उद्योग की फर्नेस से भट्टी से या भट्टी से या फिर उसके माध्यम से जो भी आपको हीट मिली है उससे आप चिल्ड कूलिंग वाटर को टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, है ना। यू कैन राइज द टेम्परेचर ऑफ चिल्ड कूलिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ वेस्ट गैसेस फ्रॉम विच यू आर गेटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल फर्नेस, यानी उद्योगों की जो भट्टी है उससे जो आपको ऊष्मा मिल रही है उससे आप क्या कर सकते हैं, चिल्ड वाटर को टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। यूजुअली हायर द टेम्परेचर हायर द क्वालिटी एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव इज, ठीक है, इज द हीट रिकवरी। यानी कि अगर आपकी जो हीट वेस्ट है, वेस्ट हीट है, अपशिष्ट है, उसका टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी है। मैंने कहा ना कि जो हीट हमें वेस्ट में मिलती है वो लो ग्रेड हीट होती है, सेकेंडरी हीट होती है, इसका मतलब ये उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, है ना, जो एक्चुअल हीट से। लेकिन अगर हमारे जो वेस्ट मिल रहा है अगर उसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, उतना ही वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा, उतना ही हम उसे आसानी से हीट को रिकवर कर पाएंगे, पुनः यूज कर पाएंगे। इन एनी स्टडी ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट देयर शुड बी सम यूज फॉर द रिकवरी हीट। यानी किसी कोई भी आप वेस्ट हीट रिकवरी का अगर कोई भी अध्ययन करें तो उसमें आप ये पाएंगे इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये आपको मिलेगा दैट देयर शुड बी सम यूज फॉर द रिकवरी हीट, यानी कि जो आपकी रिकवरी हीट है उसका कहीं ना कहीं कोई प्रयोग जरूर होता है। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ यूज वुड बी प्री हीटिंग ऑफ कंबसन एयर, स्पेस हीटिंग और प्री हीटिंग बॉयलर फीड वाटर और प्रोसेस वाटर। तो अगर हम रीयूज की बात करें और रिकवरी की बात करें तो इसके लिए प्री हीटिंग ऑफ कंबसन एयर, यानी कंबसन एयर को आप उसमें एयर को जाने से पहले हम उसे हीट कर दें, प्री हीट बोलते हैं इसे। स्पेस हीटिंग करें, प्री हीटिंग बॉयलर, बॉयलर में कोई चीज जा रही है उससे पहले हम एक बार बॉयलर में जाने से पहले उसको और हीट कर लें, ठीक है। तो दिस इज दी बॉयलर फीड वाटर और प्रोसेस वाटर, तो इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। देन विद हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी, विद हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी अ कैस्केड सिस्टम ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी मे बी प्रैक्टिस्ड टू एंश्योर दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इज रिकवर्ड एट द हाईएस्ट पोटेंशियल, ठीक है। यानी विद द हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी, यानी अगर हम हीट रिकवरी कर रहे हैं और हाई टेम्परेचर कर रहे हैं, A cascade system of waste heat recovery may be practiced to ensure that the maximum amount of heat is recovered at the highest potential. यानी अगर हम जो हीट की रिकवरी कर रहे हैं उसे हम कास्केड में करें, स्टेप बाय स्टेप करें, तो हम उससे मिलने वाली जो हीट है उसका जो टेम्परेचर है उसे हम बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट पे ले जा सकते हैं और उसे हाईएस्ट पोटेंशियल की हमें हीट जो है वो रिकवर हो सकती है। As an example of this technique of waste heat recovery would be where the high temperature stage was used for एयर प्री हीटिंग एंड दी लो टेम्परेचर स्टेज यूज फॉर प्रोसेस फीड वाटर हीटिंग और स्टीम रेजिंग। यानी कि अब हम अगर कास्केड की बात करें कि आपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर को हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसा एक जो एग्जाम्पल है वो वेस्ट हीट रिकवरी वुड बी वेयर दी हाई टेम्परेचर को आप एक स्टेज में यूज कर सकते हैं, वॉज यूज फॉर एयर प्री हीटिंग, एयर को प्री हीट करने के लिए हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अगर जो वाटर फीड कर रहे हैं स्टीम के लिए, स्टीम रेजिंग के लिए, तो उसमें आप लो टेम्परेचर पे आप उसे हीट कर सकते हैं। तो एक तरह से बॉयलर में या जहां पर भी आपकी जो वाटर है वो जो स्टीम में कन्वर्ट होने वाला है उसे हम वहां जाने से पहले उसकी एक बार प्री हीटिंग कर दें, लेकिन वहां पर हमें लो टेम्परेचर की स्टेज की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी स्टेज पर हम उस तरह की हीट को यूज कर सकते हैं। In any heat recovery situation, it is essential to know the amount of heat recoverable and also how it can be used.
यानी कोई भी रिकवरी सिचुएशन है, अगर कहीं पर भी हम हीट रिकवरी कर रहे हैं, तो हमें ये जानना होगा कि उस रिकवर्ड हीट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ यूज कर सकते हैं और कितना अमाउंट हमें उससे रिकवर हो सकता है। एन एग्जाम्पल ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेस्ट हीट इज गिवन बिलो। अब जैसे वेस्ट हीट का एग्जाम्पल देखें, इन अ हीट ट्रीटमेंट फर्नेस दी एग्जॉस्ट गैसेस आर लीविंग दी फर्नेस एट 900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नाइन एट दी रेट ऑफ 2100 मीटर क्यूब पर हार। यानी अगर हम एक हीट ट्रीटमेंट फर्नेस की बात करें, उससे जो गैस एग्जस्ट हो रही है लीविंग उससे फर्नेस से, वो 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट हो रही है, सॉरी एग्जस्ट हो रही है माने निकल रही है, एट द रेट ऑफ 2100 मीटर क्यूब पर आर, और लगभग 1 घंटे में 2100 मीटर क्यूब जो गैस है वो रिलीज हो रही है। द टोटल हीट रिकवरेबल एट 180 डिग्री सेल्सियस फाइनल एग्जस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो इस वाले एग्जाम्पल में देखें कि एक भट्टी हीट ट्रीटमेंट भट्टी है जिसमें से जो गैस निकल रही है वो 900 डिग्री सेल्सियस पे निकल रही है, और 1 घंटे में 2100 मीटर क्यूब की जो गैस है वो निकल रही है उसमें से, तो उस गैस से हम कितनी हीट रिकवर कर सकते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 180 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए जो एग्जाम जो फॉर्मूला है, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू वी रो सी पी डेल्टा टी। यहाँ पर क्यू क्या है, हीट कंटेंट इन किलो कैलोरी, हीट कंटेंट है इन किलो कैलोरी में, और वी इज अ फ्लो रेट ऑफ दी सब्सटेंस इन मीटर क्यूब पर आर। वी क्या है, यहाँ पर फ्लो रेट है, ठीक है, गैस कितने स्पीड से फ्लो हो रही है। डेल्टा टी इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सी पी इज अ 0.24, सी पी जो है 0.24 जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस इन किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, तो इसकी वैल्यू 0.24 है, ठीक है। सो रो इज अ डेंसिटी ऑफ फ्यूल गैस इन किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्यूल है, फाइन। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे क्यू को, तो क्यू की हमें वी की वैल्यू पता है, रो सी पी डेल्टा टी वैल्यू पुट कर दीजिए, वी हमें 2100 मीटर क्यूब पर आ रहा है, ये वी हो गया हमारे पास, ठीक है, और रो हमारे पास 1.19 है और सी पी 0.24 है, और डेल्टा टी टेम्परेचर कितना डिफरेंस है, जो गैस निकल रही है वो 900 डिग्री सेल्सियस पे और जो हमें मिल रही है रिकवर होकर 180 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों का डिफरेंस ले लिया, इनको आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 4,31,827 किलो कैलोरी पर आर। यानी जो भी हीट आप इस फर्नेस से रिकवर करेंगे वो लगभग 4,31,827 किलो कैलोरी पर आर, 1 घंटे में इतनी हीट आप से रिकवर कर सकते हैं। सो दिस इज बाई स्टॉलिंग रेक्यूपरेटर दिस हीट कैन बी रिकवर टू प्री हीट द कंबसन एयर। तो जो हीट आपको मिल रही है रिकवर कर रहे हैं आप इससे, उसे आप कंबसन एयर को प्री हीटिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। द फ्यूल सेविंग वुड बी 33% एट 1% फ्यूल रिडक्शन फॉर एवरी 22 डिग्री सेल्सियस रिडक्शन इन टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस। यानी आपको जो फ्यूल सेविंग हो रही है इससे, जो आपने हीट रिकवर करी, वेस्ट हीट रिकवर करी, इससे लगभग आप 33% का फ्यूल की बचत कर रहे हैं, जिसमें लगभग 1% फ्यूल रिडक्शन फॉर एवरी 22 डिग्री सेल्सियस रिडक्शन इन टेम्परेचर। यानी आपका जो टेम्परेचर, जैसे हमने 180 डिग्री सेल्सियस पर रिकवर किया है, अब लगभग अगर आप उसमें 22 डिग्री सेल्सियस का रिडक्शन कर देंगे टेम्परेचर में, ठीक है, यानी लो ग्रेड की तरफ जाएंगे, तो लगभग 1% फ्यूल आपका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट हीट इन कंसीडरिंग द पोटेंशियल फॉर हीट रिकवरी, इट इज यूजफुल टू नोट ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड ग्रेड द वेस्ट हीट इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। अब हम अगर हम कंसीडर करें पोटेंशियल फॉर द हीट रिकवरी, जो हीट हम रिकवर कर रहे हैं उसकी पोटेंशियल क्या है, सो इट इज यूजफुल टू नोट ऑल दी पॉसिबिलिटीज एंड ग्रेड दी वेस्ट हीट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल वैल्यू। तो एक तरह से किसी जो भी अपशिष्ट ऊष्मा हमें मिल रही है, जो वेस्ट हीट मिल रही है, उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए हमें उसके ग्रेड क्या है, उसको उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। द टेम्परेचर ऑफ वेस्ट गैसेस फ्रॉम प्रोसेस इक्विपमेंट इन द मीडियम टेम्परेचर रेंज, ठीक है, जो वेस्ट गैसेस हैं उनका जो टेम्परेचर है, दैट इज द गैसेस फ्रॉम प्रोसेस इक्विपमेंट इन द मीडियम टेम्परेचर, जो उसका रेंज है वो मीडियम रेंज में है। नाउ वी कम्स ऑन द हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट क्या होगी, जैसे टाइप्स ऑफ डिवाइस देखें, निकिल रिफाइनिंग फर्नेस, ठीक है, निकिल रिफाइनिंग फर्नेस में जो हमें टेम्परेचर मिलता है वो 1370 से 1650 डिग्री सेल्सियस मिलता है। एल्युमिनियम रिफाइनिंग फर्नेस में 650 से 760 मिलता है। जिंक रिफाइनिंग फर्नेस में 760 से 1100 मिलता है। कॉपर रिफाइनिंग फर्नेस में 760 से 815, स्टील हीटिंग फर्नेस में 925 से 1050, कॉपर
रिवर ब्रेवरी फर्नेस 900 से 1100, ओपन हेल्थ फर्नेस 650 से 700, सीमेंट क्लिन ड्राई प्रोसेस 620 से 730, ग्लास मेल्टिंग फर्नेस 1000 से 1550 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन प्लांट में 650 से 1000 डिग्री सेल्सियस, सॉलिड वेस्ट इंसिनरेटर्स 650 से 1000 और फ्यूम इन इंसिनरेटर्स 650 टू 1450। तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस और फ्रॉम विच यू आर गेटिंग दी टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर उससे आपको मिल रहा है वेस्ट हीट का। ठीक है, तो रिकवर हीट का जो टेम्परेचर है ये आपका हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट है। ये मीडियम टेम्परेचर की बात करें तो मीडियम टेम्परेचर किस किस में मिलता है, जैसे स्टीम बॉयलर है, स्टीम बॉयलर एग्जस्ट से आपको 230 से 480 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर मिल सकता है। गैस टर्बाइन से आपको 370 से 540 डिग्री सेल्सियस की हीट आप रिकवर कर सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन से आप 300 से 600 कर सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन एग्जस्ट जो टर्बो चार्ज है उसे 230 से 370, हीट ट्रीटिंग फर्नेस 425 से 650, ड्राइंग एंड बेकिंग ओवंस 230 से 600, कैटेलिटिक क्रैकर्स 425 से 650, एनिलिंग फर्नेस कूलिंग सिस्टम ये भी 425 से 650। ठीक है, इसी तरह से प्रोसेस स्टीम कंडेंस 55 से 88, कूलिंग वाटर फ्रॉम फर्नेस डोर्स 32 से 55, ये लोअर रेंज है, लोअर टेम्परेचर, मीडियम लिखा गलत लिखा है, लोअर रेंज है। वियरिंग मशीन 30 से 88, तो इस तरह से आप डिफरेंट एयर कंप्रेसर से आपको 27 से 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की हीट आप रिकवर कर पाएंगे। सो दीज आर दी डिफरेंट हीट वेस्ट फॉर डिफरेंट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर। फाइन, सो दिस इज अगेन वही पंप्स, इंटरनल कंबसन इंजन 66 से 120, एयर कंडीशनिंग 32 से 43, लिक्विड स्टील कंडेंसर 32 से 88, हॉट प्रोसेस सॉलिड 93 से 23। इस तरह से ही आप ये लो ग्रेड में आप इसे टेम्परेचर ले सकते हो। तो आपने इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि वेस्ट हीट क्या होता है, तो हमने ये जाना कि कोई भी अगर हम ईंधन जला रहे हैं या हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उससे जो गैस रिलीज होती है वो जो उससे जो हीट रिलीज होती है वो एनवायरमेंट में जाती है। अगर उस हीट को हम रिकवर कर लें, रिकवर करने का मतलब उसे पुनः किसी प्रोसेस में यूज कर लें, सेम प्रोसेस में यूज कर लें, तो वो रिकवरी कहलाती है। तो हीट को आप तीन तरीके से रिकवर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। अब जो हीट हमें मिल रही है उसकी हम क्वांटिटी से पर डिपेंड नहीं करते, हम उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं, कितना टेम्परेचर उस हीट का है। तो हमने देखा हाई टेम्परेचर हीट, लो टेम्परेचर हीट और मीडियम टेम्परेचर हीट रिकवरी हम कैसे कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।